हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं साउंड असिस्टेंट फीचर। इसके देखिए, एक वीडियो में चाहूँ तो सारे फीचर्स कवर कर सकता हूँ, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं ना कि एक वीडियो अगर मैं बनाने लग जाऊँ तो वो घंटों का वीडियो हो जाएगा और किसी को इंटरेस्ट नहीं है इतने लंबे लंबे ट्यूटोरियल्स देखने का। तो सभी वीडियोज़ मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में मैं कवर करूँ इसके साउंड असिस्टेंट वाले फीचर्स, साउंड को लेके क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। सबसे पहले और बहुत फेमस इसमें है डॉल्बी एटमॉस। तो ये जो फीचर है इसके बारे में आपने सुना ही होगा, और ये जो फीचर है अगर आज से 5-6 साल 10 साल पहले की बात करें तो ये जो फीचर्स है सभी फ़ोन्स पे पहले तो कंपेटेबल ही नहीं था, और रूटेड फ़ोन्स होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपको अपना फ़ोन रूट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बहुत सारे चीज़ें थी, और फिर भी कुछ फ़ोन्स पे ये फीचर कंपेटेबल था, लेकिन अभी ये फीचर बहुत कॉमन हो गया है। ये जो फीचर है ये अब साउंड को ना और नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस आपको मिल जाता है, इसमें ऑटो ऑटोमेटिकली सेट रहेगा, अगर आपने ऑन नहीं किया ऑन कर लीजिए। जो भी नॉर्मल साउंड रहता है ना उससे और ज़्यादा क्लियर, और सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और अलग अलग एंगल्स आप कह लो, मतलब ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी ना अच्छा हो रहता है। मूवी म्यूज़िक वॉइस अलाउड करना है तो ये सब के लिए आप स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटो वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली जब आप कंटेंट किस टाइप को वॉच करो जो स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो साउंड को लेके जो फीचर है उसके लिए आपको यहाँ से जो साउंड का जो इसका वॉल्यूम पैनल है उसको आप देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉल्यूम के लिए अलग है, यहाँ पे साउंड को सेटिंग्स को मैनेज करना है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। यहाँ से सारे जो इसके सेटिंग्स है साउंड असिस्टेंट वाले ये ऑप्शन हो जाते हैं। ये जो वॉल्यूम पैनल है इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल इस ओ वाले ऑप्शन में जाना है, इसको आप ऑन कर देंगे तो इस तरह से नीचे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है। मूव करना है तो लेफ़्ट राइट किस साइड में मूव करना है वो आप कर सकते हैं। सो वॉल्यूम लेवल करना है नहीं करना है, या डुअल ऐप वॉल्यूम, इस तरह के फ्लोटिंग वाला भी एक ऑप्शन आ जाता है, तो फ्लोटिंग बटन अगर आपको चाहिए तो वो सब इसमें है। नेक्स्ट इसी के साइड में है एक्सपेंडेड वॉल्यूम, तो इसमें ही आपको जैसे कि ये ब्लूटूथ वाला है तो ब्लूटूथ वाले को अगर आपको और सारी फीचर्स चाहिए तो देखिए अभी जो है ना इसमें और सारी चीज़ें ऐड हुई होंगी, तो देखिए इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इस अपन चाहे कि इसको शो टूल बार फंक्शंस तो इससे शो एंड हाइड कर सकते हैं, नॉर्मली ये ऐसा रहता है, ठीक। तो बहुत सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट इसी के नीचे एक और ऑप्शन है जो कि है मेक वॉल्यूम, यानी कि आप खुद से इसका कस्टम जो है वॉल्यूम पैनल है वो डिज़ाइन कर सकते हैं इसका। तो पहले तो यही वाले बटन है, अगर आपको इस टाइप में चाहिए तो देखो इसको ऑन करेंगे तो इस टाइप से अलग अलग आ जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे इस टाइप में ये जो है शो होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप इसमें और इसका जो टेक्सचर है वो आप चेंजेस कर सकते हैं, तो अभी जो टेक्सचर है थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको, ठीक। और कंट्रोल टाइप सबके चाहिए या कैसे में चाहिए ये अभी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि इस वाले को देखते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, तो इसमें ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारे जो शेप हैं वो आपको मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसमें चीज़ें हैं, पहले तो बहुत सारे कस्टमाइजेशंस हैं। साइड में ही आपको एक थीम वाला ऑप्शन मिलता है, पहले हम इसको बंद कर देते हैं, अब हम थीम वाले ऑप्शन पर चलते हैं। थीम वाले ऑप्शन में बिल्कुल आप कस्टम बना सकते हो, और ये वाला जो रेड वाला है ये मैंने कस्टम बनाया है, और इसमें आप ये सब चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक। तो रेड वाला ही मैं अप्लाई करता हूँ, और इसके बाद रिकमेंडेड थीम्स जो भी है वो मिल जाते हैं, तो आप अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप इनमें से कोई भी अप्लाई इस पर कर सकते हो, ठीक। तो बैक करते हैं, और कौन से ऑप्शन है इंडिविजुअल ऐप वॉल्यूम, तो ये वही ऑप्शन है, तो अलग ऐप आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको अलग वॉल्यूम चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर अलग वॉल्यूम लेवल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम मीडिया मीडिया वॉल्यूम, सो सेम इसी से आप सभी ऐप्स की मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैनर ये जो है मीडिया मैनर मोड, ये जो है जब काम करेगा जब आपका फ़ोन म्यूट है या फिर कोई और अदर मीडिया पे, तब तो ये चीज़ ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे चेंज वॉल्यूम स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स हैं आपको जो वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और इसमें नेक्स्ट है कंट्रोल वॉल्यूम विथ वॉल्यूम क्यूज, कंट्रोल म्यूजिक वॉल्यूम विथ वॉल्यूम क्यूज, तो यहाँ पे भी और सारे ऑप्शन है। ये भी है, ये भी आपका कोई भी एक फेवरेट ऐप आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ब्लूटूथ का एक ऑप्शन है, ये मैंने आई थिंक अभी यूज़ नहीं करा है तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें ऑल आउट हेडफोन्स वगैरह के लिए कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन अलार्म, इनको कस्टमाइज़ अगर आपको करना है तो उस चीज़ के लिए है, ठीक। और कस्टमाइज वाइब्रेशन पैटर्न्स, तो यहाँ से आप और ऐड कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शन पैटर्न मिल जाते हैं यहाँ से। और वॉइस चेंजर का एक ऑप्शन है, तो ये वॉइस चेंजर आई थिंक जो माइक्रोफोन अगर आप यूज़ करेंगे तो उसी टाइम ये जो है ना यूज़ होगा। मल्टी साउंड करके एक ऑप्शन है, जो कि सिलेक्ट ऐप्स करके सेम अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग कर सकते हैं। आई थिंक ये भी सेम ऑप्शन लगते हैं, इंडिविजुअल ऐप वॉल्यूम, मल्टी साउंड, सेम टाइम अदर ऐप्स कैन प्ले ऑडियो। ओके, सो मल्टी साउंड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप जैसे होता है ना कि अगर आप एक म्यूज़िक एक ऐप में म्यूज़िक चला रहे हो तो आप दूसरे में चलाने जाओगे तो वो स्विच हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा, तो आप यहाँ पे मल्टीपल साउंड कर सकते हो, तो एक में चलाओगे तो दूसरे पे भी वो काम करेगा और तीसरे वाले में भी म्यूज़िक चल रहा होगा, तो मल्टीपल ऐसे हो जाएगा। जैसे यूट्यूब में वीडियो चला रहे हो तो स्पॉटिफाई म्यूज़िक भी कंटिन्यूसली रियल टाइम में आप सुन सकते हो, फिर एमएक्स प्ले में आपको वीडियो प्ले कर दिया, फिर एक और कोई और ऐप हो गया ऐसे। नेक्स्ट इसमें एक सेपरेट ऐप साउंड है, तो ये भी एक वही चीज़ है थोड़ा सा, इसमें आप ऐप सेलेक्ट कर सकते हो फिर से अलग, जो ऐप है उसके लिए अलग साउंड, अलग से वॉल्यूम लेवल्स हो जाएं, बिल्कुल फुल कस्टमाइजेबल, ठीक। और साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में आप देख ही सकते हैं यहाँ से डॉल्बी एटमोस है और ये इक्विलाइजर इसी में इनबिल्ट मिलता है, तो अगर आपको डॉल्बी एटमोस के अलावा भी इक्विलाइजर इसमें चाहिए तो वो आप इसमें यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ वाला ऑप्शन तो वही रखना चाहूँगा, और यहाँ पे एक अडैप्ट साउंड वाला एक फीचर है तो इसको आपको ऑन ही रखिए, ये डिपेंड अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए है, ठीक। तो ये कुछ इसके साउंड वाले फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, तो आई होप जो वीडियो है मैंने इसमें सारे वीडियो जो है सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं। और भी इसमें ऑप्शन है जो कि आपको सेटिंग्स में जा कर के यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशंस में ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनको आपको कस्टमाइज़ करना है, रिंगटोन्स को कस्टमाइज़ करना है, और उसका जो बिहेविंग पैटर्न है फ़ोन का, तो किस टाइम पे क्या वाइब्रेशन कौन सी चीज़ होना चाहिए, वाइब्रेशन इंटेंसिटी को लेके भी आप इसमें कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स तो हो गया, सेपरेट साउंड भी है, ओके। और ये कुछ फीचर्स हैं, हिडन फीचर्स जो कि ऑलरेडी इनेबल्ड हैं, तो मैं चलिए जल्दी बताता हूँ। लिफ्ट टू बैक, तो जैसे आप फ़ोन उठाओगे तो ये जो आपका जो ये एक्चुअली मोशन गेस्चर्स वाले हैं, तो ये साउंड वाले नहीं हैं, मोशन गेस्चर्स वाले हैं ऑप्शन हैं। तो ये सारे ऑप्शन लगभग मैंने सभी कवर कर दिए हैं इसमें साउंड वाले ऑप्शन में। तो गाइज ये था वीडियो साउंड को लेकर क्या क्या फीचर्स एंड ऑप्शन है इस फ़ोन में, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि नेविगेशन बटन को लेकर कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं जो कि क्विकली काम कर जाते हैं, और ऐसे कुछ डन फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और भी S23 के और वीडियोस देखने के लिए चैनल प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो जाइए चैनल को वीडियो वॉच करिए, और बहुत सारे जो वीडियोस है वो भी आने वाले हैं, AI रिलेटेड वीडियोस भी आने वाले हैं, सो उस चीज़ के लिए भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।